हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टमाटर और पनीर का सूप बनाने जा रहे हैं। आपने टमाटर का सूप तो काफ़ी पिया होगा, लेकिन आप एक बार ये टमाटर और पनीर का सूप भी ट्राई करके देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही रेस्टोरेंट जैसे होंगे, लेकिन इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 700 ग्राम के करीब टमाटर लिए हैं। अच्छे रेड कलर के टमाटर यूज़ करें, थोड़ा ज़्यादा पके हुए हों। और 3 गाजर ली हैं, पतली सी गाजर हैं, ये भी थोड़ी लाल ही हों। साथ में ये मैंने बीटरूट लिया है और एक प्याज लिया है। प्याज की क्वांटिटी आप 2 तक भी कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने ये अदरक ली है थोड़ी सी, और ये हरा धनिया लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही में मैंने धनिया की जो स्टेम्स होती हैं वो भी ली है, जो कच्चे वाली होती है उनका यूज़ करें। सारी सब्जियों को मैंने धो लिया है। अब हम सबसे पहले गाजर को टॉप और बॉटम पार्ट काट देंगे और इनको छील लेंगे। गाजर जो है आप थोड़ी लाल ही यूज़ करें। बीटरूट मैं यहाँ पर हाफ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बीटरूट का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप फुल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में मैंने अदरक को भी छील लिया है। प्याज जो है पहले से ही छिला हुआ था। अब हम एक कुकर के अंदर ये जो हमने गाजर लिया है उन्हें काट के डाल देंगे। साथ ही में प्याज, अदरक और बीटरूट भी डाल देंगे। और ये टमाटर के ऊपर के जो टोप है उसे हटा लेंगे और इसको भी रफली चॉप कर लेंगे। बड़े पीसीज में ही काट लेंगे, हमें ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि टमाटर को आप पहले वॉश कर ले, और जो टमाटर ले थोड़े लाल वाले हों और देसी टमाटर का यूज़ करें। ये जो हाइड्रेट टमाटर आते हैं उनका यूज़ ना करें, उनसे सूप इतना अच्छा नहीं बनता है। ये देखिए, मैंने सारे टमाटर को काट लिया और इन्हें प्रेशर कुकर में भी डाल दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की यहाँ पर क्वांटिटी मैंने 1 गिलास के करीब रखी है। आप पानी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे, जिससे हमारे टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमें इसे इतना कुक करना है, 2 से 3 सीटी काफ़ी रहेंगी। ये देखिए, मैंने इसे कुक कर लिया है। इसकी जो अंदर की स्टीम थी वो भी ख़त्म हो गई। आप देख ही रहे होंगे टमाटर जो है अच्छे से पक गए हैं। और मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिया और साथ ही में ब्लेंडर जार में निकाल लिया। मैं इन्हें पीस लूँगी। मैंने इन्हें ठंडा करके पीस लिया है, आप देख ही रहे होंगे। देखिए, अच्छे से पीस गया। हमें इन्हें बिल्कुल प्यूरी बनाकर तैयार करनी है। साथ ही में मैंने जो टमाटर का प्यूरी बनाई थी उसे एक स्ट्रेनर से छान लिया। ये देखिए, मैंने इसे एक सॉस पैन के अंदर छान लिया। बाकी बचे हुआ जो हमारा टमाटर की प्यूरी है, जो हमने पेस्ट बनाया, उसे भी ऐसे ही छान लेंगे। इसे अब स्पून से मिक्स करते हुए, हिलाते हुए स्ट्रेन कर लें। छलनी जो है थोड़ी बारीक ही ले, उससे क्या होगा, हमारे जो टमाटर के बीज होंगे वो स्ट्रेन नहीं होंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे। देखिए, टमाटर की जो स्किन थी और जो बीज वगैरह हैं, जो मोटे पार्ट थे, वो रह गए हैं। और हमारा एकदम स्मूथ पेस्ट जो है हमें टमाटर का मिल गया है। इसी से हम सूप बनाएंगे। अभी थोड़ी देर इसे ऐसे ही रख दें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी फ्रोथ हो गया है, जिससे काफ़ी गाढ़ा है। साथ ही में मैंने यहाँ पर ये चीनी लिया, आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा है, 3/4 चम्मच के करीब है। और नमक लिया है और काली मिर्ची ली है। ये भी हम थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, ज़्यादा काली मिर्ची का यूज़ ना करें। और ये अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, लो फैट क्रीम है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसे। और ये बटर लिया है मैंने, बटर भी हम थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें, ज़्यादा बटर का यूज़ नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम पनीर लिया है, इसे हम हाथ से मैश कर लेंगे। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट पनीर है, फ्रेश पनीर है, तो हाथ से भी अच्छे से टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। और ये देखिए, मैंने सूप को बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसमें एक बॉईल आ गया। इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट का टाइम हो गया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैंने इसे 1 गिलास पानी डालकर पीसा था, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, जैसी आपको थिक या थिन चाहिए। ऊपर ये जो झाग आ गए हैं, हम इसे हटा लेंगे। इससे हटाने से जो कलर होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और ऊपर से टेक्सचर भी सूप का काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये देखिए, इसमें फिर से बॉईल आ गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें फिर से ये झाग बनने लग गए हैं, लेकिन जैसे हम बॉईल करते हैं तो झाग बन जाते हैं, लेकिन एक बार अगर आप झाग हटा देंगे तो बाद में ये सारे झाग बैठ जाएंगे। अब मैंने इसके अंदर ये नमक और काली मिर्ची डाल दी है। काली मिर्ची थोड़ी कम ही रखें, नहीं तो अगर आपने ज़्यादा काली मिर्ची डाल दी तो आपके गले में लग सकती है। देखिए, मैंने नमक और काली मिर्ची को इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने क्रीम ली थी वो डालेंगे। यहाँ पर मैं ये बड़ा जो चम्मच देख रहे हैं इसे भरकर डाल दी। क्रीम वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से टेस्ट जो है काफ़ी बेहतर हो जाता है, रेस्टोरेंट जैसा हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसे भी डाल दिया है। जो हमारा सूप है, जो वो एक बार थोड़ा वाइट सा हो जाएगा, पर बाद में ये अपने आप सेटल हो जाएगा। मैंने इसके अंदर बटर भी डाल दिया और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया है। थोड़ा सा हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, और कुछ मैंने अभी डाल दिया है। ये देखिए, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 2-3 मिनट के लिए कुक कर लें।
और कंसिस्टेंसी भी आप इसके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, और साथ ही में थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर चीनी भी डाल दी, और साथ ही में जो हमने पनीर को क्रम्बल करके रखा था वो भी इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको पनीर का थोड़ा रबरी सा टेस्ट पसंद है, यानी कि वो जो चुई टेस्ट आता है वो पसंद है, तो आप पनीर डालने के बाद सूप को 4-5 मिनट के लिए पका लें। अगर आपको वो टेस्ट पसंद नहीं है तो पनीर डालते ही इसे 1-2 मिनट कुक करें और फिर गैस फ्लेम को ऑफ कर दें। यह देखिए मैंने सूप के अंदर पनीर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हमारे जो सूप की कंसिस्टेंसी है वो भी परफेक्ट है। हमारा सूप जो है बनकर रेडी हो गया, गैस फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर ये दो वाइट ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, इनके हम क्रूटोन्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड का यूज़ किया, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। देखिए मैंने इसको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है, ये देखिए इनको अलग अलग कर लेते हैं। और साथ ही में मैंने साइड बाय साइड ऑयल को गर्म कर लिया है, इसमें हम ये क्रूटोन्स डालकर फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल में आप इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, ज़्यादा ब्राउन भी ना करें, इससे टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, हल्का ब्राउन ही करें। ये देखिए सिक गए हैं, क्योंकि इनके अंदर की गर्मी से ये थोड़ा सा और अपने आप ब्राउन हो जाएंगे। और कुछ मैंने स्लाइसिस को तवे के ऊपर हल्का हल्का घी लगाकर रोस्ट कर लिया है, इससे भी इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, थोड़ा लो फैट वर्जन हो जाता है। हमारा टमाटर और पनीर का सूप रेडी है, इसे मैंने एक सूप बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए आप देख ही रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर दोनों ही एकदम बढ़िया आए हैं, और टेस्ट में भी ये एकदम यमी है। अब हम इसे क्रीम से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, तो मैंने इसे क्रीम से डेकोरेट कर लिया है। साथ ही में मैं इसमें क्रूटोन्स और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी लगा दूँगी, जिससे यह और खूबसूरत हो जाएगा। तो आप भी इस टमाटो सूप की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, पनीर के साथ टमाटो सूप का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी जो हमारी टोमेटो केचप आती है 1 चम्मच वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही काफ़ी पसंद है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।